नोएडा की ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी में महिला से गाली गलौच करने वाले कथित नेता श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी को नोएडा पुलिस ने 3 सहयोगियों के साथ गिरफ्त में लिया है। श्रीकांत नोएडा की सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने मंगलवार को उसकी पत्नी को दोबारा हिरासत में लिया था। अब श्रीकांत को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। इससे पहले नोएडा पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई कर उस पर 25,000 इनाम भी घोषित किया था। आरोपी की तलाश में नोएडा पुलिस की 8 टीमें 3 राज्यों से उसकी तलाश कर रही थी। सोमवार को सोसाइटी स्थित उसके घर पर अवैध निर्माण को तोड़ा गया था। आरोपी पर दबाव बनाने के लिए भंगेल में उसकी दुकानों पर GST टीम ने भी छापेमारी की थी। आपको बता दें, पुलिस से बचने के लिए श्रीकांत हर जरूरी एहतियात बरत रहा था, लेकिन आज श्रीकांत को पुलिस ने धर दबोचा है। श्रीकांत त्यागी ने रविवार रात के बाद से ना तो कोई कॉल की है, ना ही अपना मोबाइल ऑन किया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।